इसकी स्पीड है, आपने इसको जिस तरीके से भी हल्का रखना है, ज़्यादा रखना है, ऐसे भी रखना है, ठीक है। इसकी जो इसके अंदर प्लेट लगती है ना, वो हमने निकाल ली है, ठीक है। उस प्लेट पे आप जो भी बोलेंगे ना, आपको हम लोगों लगा के दे देंगे, वो प्लेट लग जाएगी इधर। यह है इसका पैड, वो जो प्लेट पे इधर जो लोगो प्रिंट होगा ना, पैड यहाँ से वो लोगो उठाएगी और इधर प्लेट ये वाली लगेगी, ये इधर आप अपना पीस रखेंगे, वो यहाँ से प्रिंट कर देगी। अगर आपका जो पैड है वो इंक कम उठाता है जी, या आपका लगता है कि आपका जो छापा है वो कम बज रहा है, लाइट बज रहा है, उसको डार्क करने के लिए आपने ये कुछ है ना, ये है एक तो ये है, इसको आप थोड़ा सा खोलें, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। आपने जितना डार्क करना है, जितना लाइट करना है, वो आपका इस ऑप्शन से होगा। इसको खोलेंगे, इसको जितना नीचे करेंगे उतनी गहरी इंक उठाएगी, उतना गहरा प्रिंट करेगी। जितना लाइट करना है इसको उतना ऊंचा रखिएगा, उतना लाइट प्रिंट करेगी। अगर आपके जो प्लेट है वो प्लेट आपका नाम इधर है, आपका पैड यहाँ पे है, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। आपके जो नाम बनेगा ना, वो इस सीक्वेंस के हिसाब से प्लेट में बनेगी, ठीक है। आपने इधर रखनी, इधर इधर रखनी, इधर इधर यूज़ करनी, इधर यूज़ करनी, इधर यूज़ करनी, इधर यूज़ करनी, इधर इधर, ठीक है। इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका प्लेट जो है, ये पूरी ये जो मैकेनिकल, इस मैकेनिकल के हिसाब से आपकी प्लेट बन के तैयार होगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका। और आपको लगे कि यार मेरा नाम फिर भी थोड़ा सा इधर है या उधर है, आप इसको खोल के ना आगे पीछे कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, आपकी प्लेट के ऊपर अगर यहाँ नाम लिखा हुआ, आपकी यहाँ पे पैड नहीं सपोर्ट करता, आप इसको थोड़ा सा खोलें, आप इसको उधर कर लें, आपका पैड सपोर्ट कर जाएगा। डार्क करना है, लाइट करना है, यहाँ से आपने इसको आपको डाउन करना है। प्लेट आपकी यहाँ लग जाएगी, ये खोलेंगे, प्लेट आप लगा लेंगे, ये उतारेंगे आप प्लेट। इसकी वीडियो पहले भी मौजूद है, इस पर मैं ना लिंक भेज दूंगा, शो उसको आपको फॉरवर्ड कर देगा, इसको यूज़ कैसे करना है। अब अगर इसमें इंक डालेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो है पहली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। इस वजह से इंक डाल के नहीं, मैं आपको चेक करवाऊँगा डाल के जो है वो, आप जब खुद डायरेक्ट ही जब आप चेक करेंगे ना, क्योंकि आपने ले जाना है तो इसको धोने में टाइम लगता है, ठीक। ये इसका कप है, ठीक है। ये कप लगना है, जब आपकी प्लेट लगेगी ना, ये कप इसके अंदर लग जाएगा, ये प्लेट के ऊपर बिल्कुल फिक्स होकर बैठेगा, ये आपका ना ऐसे आएगा। इसके अंदर आप इंक डालोगे, ये ऊपर से लगा दोगे, जब ये चलेगा ना पैड, तो वो इस कप की इंक को साथ लेकर चलेगा, इंक आगे पीछे होती जाएगी, इंक ख़त्म भी नहीं होगी। और आप जितना आपने जितनी को स्पीड के हिसाब से इसको रखना है, तो आपकी मर्जी, आपने जितनी इसकी स्पीड को दी है, आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसकी डाइयाँ, आपने एक मतलब जो भी प्रोडक्ट अपनी करनी है ना, आपने इसको सेट कर लेना है इसके साथ, फिर आपने एक ये लगाना है, एक साइड पे आपने ये लगाना, दूसरा वाला पीस लगाना है ये वाला, ठीक है। ये इसके स्क्रू भी अंदर ही है, आपको आपने ये डब्बा प्रिंट करना है। इस डब्बे के हिसाब से आपने आपने अपनी डाई के ना एडजस्टमेंट कर लेनी, जैसे कि ये डब्बे की है, आपने उसी डब्बे के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करके इसको पक्का कर लेना, ताकि आप एक पीस उठाओ उसके अंदर रखो, दूसरा पीस उठाओ उसके अंदर रखो, आपका जो ना पीस आगे पीछे प्रिंट ना हो, एक जैसा प्रिंट हो। बाकी ये इसकी चीज़ें सारी, ठीक है, तार के डेटा केबल वगैरह सब है। इसकी प्लेट हमारे पास है, आप जो लोगों को देंगे प्रिंट करके, ओके, इनका जब बोलेंगे जैसे बोलेंगे वो भी कर देंगे, ठीक है। चेक होगी मशीन। Thank you.